प्राचार्य सर का कोटि कोटि आभार प्राचार्य सर का, जो आपने बनारस बुलाया हमें, जो आपने बनारस बुलाया हमें, मौका मिला पवित्र काशी दर्शन का और ज्ञान का रस भी पिलाया हमें और ज्ञान कभी सोचे न थे ऐसे शानदार सारनाथ इंटरनेशनल होटल में ठहराया हमें, मौसमी सब्जियों के साथ स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन खिलाया हमें, गुदगुदी हुई गदगद मन में जब तकिया कंबल गद्दा गुलगुला मिला मधुमेह मिठास बढ़ गई मन में जब खाने में जलेबी छेना बर्फी और रसगुल्ला मिला। डाइट से होटल तक गाड़ी भिजवाई, आपकी दयालुता की झलक देखा, आपकी हृदय की गहराई में भी सहानुभूति का विस्तृत फलक देखा। दुआ हम सभी प्रवक्ता गणों की, आपकी उम्र बढ़े, अतिरिक्त प्रमोशन मिले, तन मन का उत्तम स्वास्थ्य रहे, काश हर डाइट में आप जैसा गुलशन खेले। आपका साहित्य सफर में एक बार पुनः स्वागत है। दो छोटे छोटे कविताएं लिखी हैं, एक्चुअली बैंक के लिए मैंने कविता लिखी थी, सुना नहीं पाया था कल, तो मैं चाहता हूँ पहले मैं तो सुना लूँगा। जिंदल मैम के अथक प्रयासों से, हमारी मरी हुई सांकी पुनः जिंदा हो गई, पहले पड़े थे संदेह के ढेर में, अब सांकी का चुनाव चुनिंदा हो गई। आपने बताया कैटेगरिकल में आते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, मेजरमेंट में आते हैं रेशियो और इंटरवल स्केल, अब हमें पैरामेट्रिक के लिए नॉन पैरामेट्रिक का विकल्प मिल गया, रिसर्च रिसोर्स में बढ़ेगा आत्मविश्वास, आपकी वजह से दृढ़ संकल्प मिल गया। आपने बताया जो रिसर्च की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होता है, पी वैल्यू 0.05 से कम हो तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट होता है, अब हम विश्वास के साथ सीख गए हार्पो और चेतक नाइन भी, अब आएगी अधरों में स्माइल और चेहरों में साइन भी, एक छोटी सी कविता। सभी प्रवक्ता साथियों को सलाम, आपके सहयोग और प्यार के लिए, इसी तरह फिर कभी मिलेंगे सभी, पुनः ज्ञान और सद्भावना प्रसार के लिए, क्षमा चाहता हूँ अगर कोई शब्द ऐसा और लगे। सर आप है महाराष्ट्र से, आपका नाम सखाराम बी मूले है, आपको सादर कोटि नमन, आपको देखकर हम भी खुशी से फूले हैं। प्लॉट समझाया आपने पॉजिटिव नेगेटिव नल लीनियर, एक्सपोनेंशियल यू से बता स्ट्रांग वीक नन कर दिया क्लियर। यद्यपि इंग्लिश में महारत हासिल है पर हिंदी में भी हमें पढ़ाए हैं, सच कहूं तो तन मन गदगद है जो गोलोक से भूलोक पर उतर कर आए हैं। कर सकते हैं प्रोडक्शन हम भी,
कर सकते हैं प्रोडिक्शन हम भी, पढ़कर कोरिलेशन और रिग्रेशन जिले में बढ़िया शोध कर अब बढ़ा सकते हैं गुडविल और इंप्रेशन। समझ लिया विद्वत हमने रोटेशन फैक्टर एनालिसिस और अट्रैक्शन भी, आया मन में मोटिवेशन खूब, बढ़ा शोध के प्रति अट्रैक्शन भी। और अंतिम दो लाइन है, जम गया जेहन में जामो बीका ज्ञान, जम गया जेहन में जामो बीका ज्ञान, आखिर सिखाया आपने बड़े भाई की तरह, आखिर सिखाया आपने बड़े भाई की तरह, कद्र पड़ गई हमारी रहेंगे अब डायट में नए जमाई की तरह।